ट्रैवल बुलेटिन भी जारी करना चाहिए, उससे लोगों का विश्वास पैदा होता है। अरे इतना तो कम से कम लोकलाज रखिए कि सब्सिडी दे दीजिए गरीब गुरबा लोग को, तो सब्सिडियो लीजिएगा, लाभ भी लीजिएगा और विदेश से ट्वीट करिएगा, इसीलिए जनता ट्वीट कर दे। तो सनी जी आप तो मुंबई में रहे हैं ना, अब पटने में मेरी ड्राइव देख लेता है सब, निश्चिंत है, अब मुंबईयों नहीं जाते होंगे, अब कहाँ के लिए जाएंगे। तो आप आपराधिक घटना जब लिख रहे हैं तो थाना का नाम जरूर लिख दें, बाढ़ आया हुआ है, आप नहीं है, आप नहीं है तो उनको भगवान भरोसे थोड़े छोड़ देंगे हम। नीतीश कुमार जी ने कहा कोई चिंता नहीं करो, हम है ना। लोकसभा चुनाव में उनका सैड इंडिंग हो गया, सैड इंडिंग, तीन मई को ना बोहनी पर आप फेसबुक लाइव करते वहीं से, ट्वीट करते वहीं से, अब कहां से ट्वीट कर रहे हैं लोकेशनों नहीं मालूम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से क्राइम बुलेटिन जारी किया है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू MLC सह जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है, बात करेंगे। कैसे देखते हैं, एक बार फिर से उन्होंने क्राइम बुलेटिन जारी किया? अरे क्राइम बुलेटिन जारी करिए, हम डेवलपमेंट बुलेटिन जारी करते हैं, ट्रेवल बुलेटिन भी जारी कर दीजिए, ट्रेवल बुलेटिन भी जारी करना चाहिए, उससे लोगों का विश्वास पैदा होता है कि भाई हम यहाँ गए यहाँ गए। इसकी औपचारिक सूचना न्यायालय को अगर दे सकते हो तो जनता न्यायालय नहीं है क्या? जनता की अदालत में भी पेश करना चाहिए और आंकड़े सही दीजिए, क्योंकि पिछली बार 5 सितंबर के दिए गए आंकड़े में कुछ एक ऐसे मामले आए जो मामला हुआ घटना ही नहीं हुआ, आपने ट्वीट कर दिया। अच्छा, बिना घटना का ट्वीट? हाँ, हमने तो खुलासा किया था, ये वैशाली के IDBI बैंक के बारे में बोल दिया कि 5 लाख की लूट हुआ, नहीं कोई मामला नहीं हुआ था, ऐसे कई घटना की मैंने चर्चा की थी। तो हम तेजस्वी जी आपसे अनुरोध करेंगे कि आप विपक्ष के नेता हैं, गंभीर बनिए। तो आप आपराधिक घटना जब लिख रहे हैं तो थाना का नाम जरूर लिख दीजिए, उससे सुविधा होगी आप, चूंकि आप तो क्राइम पर एक्शन जो होता है आपको बोलने में दिक्कत है, क्योंकि राजनीतिक प्रतियोगिता है तो आप बोल नहीं पाइएगा, तो हम तो कम से कम बोल पाएंगे। जैसे हम आपका राघोपुर का भी बुलेटिन जारी किए कि राघोपुर में बाढ़ आया हुआ है, आप नहीं है तो आप नहीं है तो उनको भगवान भरोसे थोड़े छोड़ देंगे हम। नीतीश कुमार जी ने कहा कोई चिंता नहीं करो, हम है ना, ये सूचना जब मिली सरकार को, सरकार ने तुरंत अलर्ट मोड में आई, 9,787 लोगों को 24 तारीख के दिन के 10 बजे की रिपोर्ट है कि शाम में उनको खाना खिलाया गया, वहां पॉलीथीन की व्यवस्था हुई, बोट का व्यवस्था किया गया, जो जिम्मेवारी में आपकी भूमिका होनी चाहिए थी। आपका विधानसभा क्षेत्र? हाँ, आपका विधानसभा क्षेत्र है जी। तो बेचारा वोट दे के गुनाह कर दिया वो, अरे वोटवा दिया तो उसका आपका कुछ घर से लगना नहीं है। अरे सरकार तो करने के लिए तैयार, चूंकि पहले के राज में आपदा प्रबंधन का नीति नहीं था, आज आपदा प्रबंधन की नीति है, फसल क्षति का हम पैसा देते हैं और फिर इनपुट अनुदान देते हैं, ये देश में कहीं नहीं है कि फसल लगाने के पहले किसान के खाता में जाए, या देश में कहीं व्यवस्था नहीं है। बाढ़ में अपने लोगों को छोड़ करके वो ऐश कर रहे हैं? हाँ, एकदम भगवान भरोसे, ऐश शब्द का तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन घूम रहे हैं। इतना जरूर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र की जनता के प्रति गंभीर नहीं है, नहीं तो अगर गंभीर रहते तो इस 23 गांव में लोग बाढ़ से बेहाल है और नेता लापता है, तो नेता किसकी बात के लिए होता है भाई? ऐसा तो नहीं कि एक बैग की आ गया बाढ़, ऐसा भी नहीं, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, सड़कों का जाल हमने बनाया और हमेशा वो जाते भी हैं। जाते भी हैं। इस बार क्या नहीं, क्या हो गया? अरे होता है चुनाव में, हम हार जीत होते, वैशाली में हार गए इसके चलते नहीं जाएंगे। अरे चिराग पासवान के जीतने से राजनीतिक सदमा लगा होगा, लेकिन जाना तो चाहिए था, अपने लोगों से मिलना चाहिए था। हाँ, कम से कम जो वोट दिया उससे परनामे करते उसको, नाव पर घूमते, नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं ना भाई, फेसबुक लाइव करते वहीं से, ट्वीट करते वहीं से, अब कहां से ट्वीट कर रहे हैं लोकेशनों नहीं मालूम होता है, ट्वीट कर देते हैं। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि जरा सा मुद्दों के प्रति गंभीर बनिए और अपराध के मामले में जब तक मैं हूं, मतलब नीतीश कुमार जी हैं, तब तक निश्चिंत है लोग, किसी को कोई चिंता नहीं है। जैसे ही यह समाचार जब मीडिया में चलने लगता है कयास कि नीतीश जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं या नहीं रहेंगे, तो जो वोट नहीं दिया है ना वो एकदम छाती पीटे लगता है कि अब क्या होगा, इतना लोग डर जाता है। तो नीतीश कुमार जी ने ये तय करके दिखा दिया
और ये क्राइम बुलेटिन जरा वो वाला भी जारी कर दीजिए, नहीं करिएगा तो हम जारी कर देंगे कि जिस समय आप सत्ता में थे तो राघोपुर में कौन कौन घटना हुआ था, सबका ब्यौरा मेरे पास है एकदम घटना पर ब्यौरा। उस समय भी कार्रवाई करते थे, आज भी कार्रवाई करते हैं। हाँ, अगर विदेश से आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ला के दे दीजिए हमको जिसका कि हम इस्तेमाल करें, ये अपराध शून्य हो जाए। चूंकि जब ये उप मुख्यमंत्री रहते हैं तो चोरी छिनते ही कुछ नहीं होता है ना, गलती से भी नहीं, कोई देखता भी नहीं। अभी तो कानून का कोरोना काल आ गया, कोरोना काल है कानून का, इसीलिए वो नहीं ना बिहार में चले गए कहां, तो अब कहां विदेश कहता है क्या कहता है। अच्छा, हैप्पी एंडिंग की बात किया जा रहा है, मुकेश सहनी के द्वारा संन्यास लेने की बात किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका सैड एंडिंग हो गया। हाँ। सैड एंडिंग तीन में को ना, बोहनी पर आफत, बोहनी बोहनियों पर आफत, और विधानमंडल में कोई सदस्य नहीं है, तो आपको क्या पता है, आपका तो सैड एंडिंग हो गया। और नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, नीतीश कुमार जी की जुबान नहीं बोलती है, तो काम करिए ना, जनता के बीच सेवा करिए। ये मुंबई नहीं है, या मुंबई अब मेरिन ड्राइव देखने के लिए कोई नहीं जाएगा वहां। मुकेश सहनी जी आप तो मुंबई में रहे हैं ना, अब पटने में मेरिन ड्राइव देख लेता है सब, निश्चिंत है। अब मुंबईयों नहीं जाते होंगे, अब कहां के लिए जाएंगे, एजे पड़ी घूम करके, हमारे हमारा कम हमारा बिजली जलाएगा सब। अच्छा बताइए था, हमारे बिजली से अगर मतभेद है भाई तो ललटेन जलाइएगा ना घर में भाई, अब बिजली का कनेक्शन कटवा लीजिए, कि नीतीश कुमार के बिजली हमको पचता नहीं, अपच हो गया है एकदम। तो बताइए तो अपच भी नहीं हो रहा, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ठंडा हवा का आनंद भी ले रहे हैं, अब प्रवचन भी दे रहे हैं, अब सब्सिडियो ले रहे हैं। अरे इतना तो कम से कम लोक लाज रखिए कि सब्सिडी दे दीजिए गरीब गुरबा लोग को, तो सब्सिडियो लीजिएगा, लाभ भी लीजिएगा, और विदेश से ट्वीट करिएगा, इसलिए जनता ट्वीट कर दे। अच्छा, शराबबंदी कानून को लेकर के उन्होंने कहा है कि समीक्षा हमारी सरकार आएगी तो समीक्षा करेंगे। कौन? मुकेश सहनी कह रहे हैं। अरे खैर तू सर, अरे भाई दो तीन गो सीट में लड़ते थे, समीक्षा कुछ होगा? अरे भाई समीक्षा तो जो राज्य का मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा वह न कहेगा, भैया इनको तो जो मर्जी करेगा, दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम दस नंबर में करना है, क्या उनको है। एक आखिरी सवाल लेंगे, दो दो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं, जात को लेकर के जो है आमने सामने हैं, एक तरफ जीताराम मांझी कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव को लेकर के कि गरेरिया हैं, तो अब लालू यादव कह रहे हैं कि मूसर है क्या। नहीं देखिए, हम लोग तो नई पीढ़ी के लोग हैं, ये लोग वरिष्ठतम लोग हैं, देश भर में इनकी पहचान है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उम्मीद तो सब लोग करेगा ना भाई, जहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुलने जा रहा हो वहाँ राजनैतिक अपशब्दों का इस्तेमाल हो, भाषाई अपशब्द, ये अच्छी बात नहीं। और इसकी शुरुआत किसने किया, गुनाहगार कौन है, यह मुद्दा नहीं है, जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है उस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। तो क्या लगता है कि आपके द्वारा क्या लगता है मांझी जी को सपोर्ट मिलेगा? नहीं, किसी का सपोर्ट विरोध का सवाल नहीं है, मांझी जी तो अपने कानून से आच्छादित है, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 प्रभावी है, उनकी जाति का नाम लेना अपराध है। कोई नहीं, लालू जी अपराध कर दिए हैं, अब तो वो तो मांझी जी ने बताएंगे भाई, वो हम कैसे बताएंगे। मतलब कानून के तहत कह रहा हूँ, कानून के तहत कानून को भी प्रयोग में लाने का उनको अधिकार है, हम केवल जानकारी के लिए। अगर वो चाह जाए तो फिर जेल जा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई, अब जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये अलग विषय है, लेकिन कानूनी कार्रवाई कानून में प्रावधान है, और ऐसे मामले पर खैर कानून तो अलग चीज है, लोकलाज पर चलता है राजनीति ना भाई, लोकलाज पर चलेगा, किस ढंग की भाषा पर चलेगा, इस ढंग से बात, खूब तीखा व्यंग करिए, हरिशंकर परसाई को पढ़िए, एकदम सब तबीयत स्वस्थ रहेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार, जेडीयू एमएलसी से मुख्य प्रवक्ता थे, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, खबरों के साथ बने रहे, अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर